नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। अभी हम लोग हैं हजारीबाग के सदर अस्पताल में और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि यहाँ पे जो मेडिकल टेक्नीशियन और एम्बुलेंस चालक है वो सारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण है और ये लोग कब से बैठे हुए हैं, ये सारी बातें हम इनसे बात करके जानेंगे। आप पहले अपना परिचय दें और बताएं कि आप लोग कब से बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं। मेरा नाम प्रेम कुमार, EMT हूँ। 108 एम्बुलेंस का मैं EMT और यहाँ पे पायलट भी जो है, जो चालक। हम लोग पिछले 5 मंथ से हम लोग को सैलरी नहीं मिला है, इसके लिए हम लोग प्रदर्शन किए हुए हैं धरना पे। और कई बातें हैं जो हम लोग जो आपका सरकार से कहने चाहते हैं कि पिछले 5-6 साल से हम लोग ने पूरा जी जान लगाकर इसमें काम किया। जिकिजा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का नाम है हम लोग का, और अचानक अब दूसरा कंपनी आती है और हम लोग से 25,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे लिया जा रहा है। तो हम लोग का यही कहना है कि ये 5-6 साल से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो किस बात की फिर हम लोग से नया जो कॉन्ट्रेक्टर जो आए हैं वो किस बात की हम लोग से पैसा ले रहे हैं। आप लोग वो क्या बोल करके पैसा मांग रहे हैं? वो रजिस्ट्रेशन फीस करके 25,000। यस, रजिस्ट्रेशन चार्ज के तौर पे हम लोग से 25,000 रुपया का मांग कर रहे हैं। इस पर हॉस्पिटल प्रबंधन क्या कहती है? हॉस्पिटल प्रबंधन का इसमें कोई हाथ नहीं है क्योंकि वो उनके थ्रू नहीं चलती है। ये जो कंपनी चलाती है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे चलाती है, जो ये सरकारी एम्बुलेंस होती है पर इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे दिया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग इसको चलाते हैं। तो झारखंड सरकार और आपका हेमंत सरकार सर से यही कहना चाहते हैं कि इस बात पे गौर करें कि ये पिछले 5-6 साल से इन्होंने कथक मेहनत किया है, वो महामारी कोरोना काल में जो सबके दरवाजे सब कोई घर में बंद थे, फिर भी हम लोगों ने अपना बीबी बाल बच्चा को छोड़कर रोड पे 24x7 एनी टाइम जहाँ पे हम लोग को कॉल आती थी, जहाँ पे जो ऐसा गंभीर अवस्था में पेशेंट रहते थे उनको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करते थे। जबकि उस दरमियान में देखा जाए तो कई अधिकारी, ऊंचे ऊंचे अधिकारी भी अपना घर में बंद हो चुके थे। उस समय हम लोग ने रोड पे आकर के हर व्यक्ति का जान बचाने का काम किया है, फिर उसके बावजूद भी दूसरा कंपनी आकर के हम लोगों को 25,000 का जो डिमांड करती है, और पिछले 5 मंथ से हम लोग का सैलरी जो जिकिजा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी जो अभी तत्काल में काम कर रही है वो हम लोग का 5 मंथ का सैलरी नहीं दिया है। किसी के घर में बच्चा को फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी के घर में चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं, और फिर भी 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कोई अभी तक कारण सामने आया है, बताया गया कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। हम लोग ने अपने अधिकारी से बात किया, उन्होंने बस सिर्फ तारीख पे तारीख दिया है और इसके अलावा हम लोग को सैलरी नहीं दिए हैं, सिर्फ तारीख मिला हम लोग को। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, इस बात पे सरकार गौर करे। और ये चीज सबसे मायने रखता है कि हम लोग पिछले 5 साल से जॉब कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं और अपना बीबी बाल बच्चा छोड़ करके पूरा कथक प्रयास कर रहे हैं, और हर व्यक्ति का जान बचाने में अहम भूमिका निभाता है 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी लोग। उसके बाद भी हम लोग से अदर कंपनी आकर के जो फीस की मांग कर रहा है रजिस्ट्रेशन के तौर पर 25,000 रुपया, इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर सोचे। और दूसरी बात यही कहना चाहूँगा कि ये 18 तारीख को ये हैंड ओवर करने जा रही है, जिकिजा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी एक जीवके कंपनी है उसको देने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग का जो सारी रकमें हैं सैलरी है उसको पूरी कर दी जाए, बस यही कहना चाहूँगा मैं कि इस बात पे हमारे अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को आग्रह करता हूँ कि इस बात पे थोड़ा गौर करें। अच्छा, आप बता सकते हैं कि जैसे कि 5 महीना एक बहुत लंबा अंतराल होता है, वो उन 5 महीनों में आपने कैसे एम्बुलेंस का हैंडल किया? जैसे कि उसमें पेट्रोल डलाना होता है और भी बहुत सारी चीजें होती होंगी, खुद का परिवार भी संभालना होता है, बिना सैलरी के कैसे ये सब कर पाए? और पेट्रोल के लिए सबसे पहले कहाँ से आते थे पैसे? ये पेट्रोल डीजल जो है वो कंपनी के थ्रू होता है, माध्यम से होता है। अच्छा। ये डीजल जो है पेट्रोल कार्ड बनी हुई है वो कंपनी भुगतान करती है, उसका राशि ऑनलाइन पेमेंट होता है डीजल का। और हम लोग का डीजल लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को ये सैलरी वेतन में बहुत ज़्यादा
दिक्कतों का सामना पड़ रहा है परिवार सामना। देखिए परिवार को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे लोगों का स्कूल फीस है, आर्थिक स्थिति बहुत समस्याएं आ रही है। और हम लोग जो 24/7 वर्क कर रहे हैं उसका हम लोग को ही लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो काम कर रहे हैं वो हम लोग को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो मेहनत का जो होता है पैसा वो भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, जिसके कारण हम लोग नहीं चाहते हैं ये 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा है इसको हम लोग बाधित नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों ने पहले भी अवगत कराया है मैनेजर को और हमारे चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी को भी अवगत कराया है कि पेमेंट हम लोग को टाइम पे दिया जाए, इसके बावजूद हम लोग को टाइम पे ना दे करके 5 महीने लेट, 1 साल लेट ऐसा करके पेमेंट हम लोग को दिया जा रहा है। अभी भी हम लोगों ने सभी ने उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया है और सिविल सर्जन सर को भी आवेदन दिया है कि हम लोग का जल्द से जल्द हम लोग का मांग जो है वेतन का मांग है सिर्फ, और कुछ नहीं मांगे हम लोग का, वेतन हम लोग को सारा जो बकाया राशि है वो मिल जाए और लोगों को ये सेवा जो है 108 जो लोगों का जीवन बचाने का कार्य करता है आपातकालीन सेवा है वो लोगों तक पहुंचे और बचे, जीवन बचाने का काम करे। अच्छा, आप लोग ये धरना प्रदर्शन कब तक देने वाले हैं और इस पे अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है आपके जो कंपनी है उस तरफ से? तो अभी तक तो कुछ आदेश नहीं ऊपर से आया है, हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए ये अनिश्चित काल पे हम लोग हैं। अनिश्चित काल पे जी? तो ये आपातकालीन सर्विस होती है और इस पे आप लोग अनिश्चित काल हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हजारीबाग के मेरे ख्याल से सारे प्रखंड के आप लोग हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है कि इससे आम जनता को प्रॉब्लम नहीं होगा? जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर किया जाए तो क्या किया जाए? मैंने 1 महीना देखा 2 महीना देखा, ये पिछले 2 साल से ये रेगुलर ऐसा हालात होते जा रहा है। पहले भी रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी? नहीं, रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, ये करीब 2 साल से डिस्टर्ब हो रहा है सैलरी में। और इधर तो हद ही हो गया कि 5 महीना हो गया अभी तक सैलरी नहीं मिली है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को कि ये जो ये स्टाफ 108 का जो है, कभी इनको बहुत तरह से क्या ताड़ित प्रताड़ित किया जाता है, कभी किसी बात को लेकर के उनको ट्रांसफ़र किया जाता है तो कभी निकाल दिया जाता है। और दूसरी बात है, अगर ये काम ऐसा है कि थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसके लिए ये कंपनी बहुत हम लोग को दबाने का काम करते हैं, इसलिए मैं यही चाहूँगा कि अगले कंपनी जो आती है उसमें हम लोग का ऐसा ना हो। हर व्यक्ति चाहेगा कि हम लोग तो खुद खेद जता रहे हैं अभी कि कई लोग पेशेंट वाले हम लोग के पास आए आग्रह किए, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? मैंने एक नहीं करीब 5 महीना से ये झेल रहा हूँ, तब जाके आखिरी अंत में हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा है। इसके लिए मैं हजारीबाग वासियों से मैं आग्रह करता हूँ कि इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, जो उनको कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है इसके लिए मैं हमेशा ये रहूँगा। और सरकार को यही कहना चाहूँगा कि हम लोग पे विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। बस यहाँ पे जो जितने धरना के लिए बैठे हैं यहाँ पे 108 जिस पे डायल करके एम्बुलेंस लोग बुलाते हैं आपातकालीन सर्विस के लिए, यहाँ पे ये लोग बैठे धरना प्रदर्शन के लिए। बता दें कि इनको 5 महीने से सैलरी नहीं मिली और देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस की आपको सारी दिख रही होगी, यहाँ पे अव्यवस्थित तरीके से खड़ी है। और ये लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि आम जनता के लिए इन्हें सर्विस देनी चाहिए, बट अगर 5 महीने से किसी को सैलरी नहीं मिली होगी तो एक बहुत ही आम सी बात है कि किसी के भी परिवार चलाने के लिए मुश्किलें आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पे हर तरफ आपको एम्बुलेंस ही दिख रहा होगा और ये धरना प्रदर्शन आज करा हजारीबाग के यहाँ सारे प्रखंड के एम्बुलेंस चालक और मेडिकल टेक्नीशियन के यहाँ पे स्टाफ बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहे हमारे साथ N4 न्यूज़ भारत।